हेलो फ्रेंड्स, मैं ओनेटर और आप देख रहे हो न्यू हैकर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है जरूर उसको भी क्लिक करें। एंड अगर आप स्टिल बिगिनर हो एंड आप लोगों को पता नहीं किया टर्मक्स क्या है, काली लिनक्स क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे ये सब सीखते हैं, देन ये सब जानने के लिए ऊपर दिखाए गए आई बटन पर क्लिक करें। वहाँ पर आपको सारी बिगिनर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हिंदी में है, तो आप लोगों को सीखने में एंड समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग गिटहब प्लेटफॉर्म को यूज़ करके फ्री में हॉस्टिंग एंड डोमेन ले सकते हो। हाँ गाइज, यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग फीचर गिटहब जो है हम सब लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो चलो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कैसे कैसे ये काम करता है। ओके गाइज, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखें और कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इस पूरी वीडियो के बाद आपको फ्री हॉस्टिंग एंड एक छोटा सा डोमेन मिलेगा जो कि सब डोमेन रहेगा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट आपका टाइम बचेगा एंड इसमें बहुत मज़ा भी आएगा। ओके, तो यहाँ पर यार आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जान लेना है स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो यार मैं इन शॉर्ट मेरे शब्दों में बताऊंगा कि यार स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसका कोई बैकएंड कनेक्शन नहीं होता, यानी कि आप जस्ट पेजेस को देख सकते हो, उन पे क्लिक्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जो भी आप टाइप करोगे, जो भी आप डेटा यानी कि इनपुट दोगे एक वेब एप्लीकेशन के अंदर जो कि स्टैटिक वेबसाइट होती है, वो डेटा कहीं पर भी स्टोर नहीं होता। जैसे ही रिफ्रेश करोगे वो डिलीट हो जाएगा। एंड बात रही यहाँ पर डायनामिक वेबसाइट्स की, तो जो भी आप लोग इनपुट दोगे वो क्या होगा, बैकएंड साइड में जाके सेव होगा, यानी कि MySQL के जो डेटाबेसेस होते हैं वहां पर एक न्यू टेबल बनेगा एंड वहां पर आपका डेटा जो है स्टोर होगा। तो ऐसे जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्टैटिक एंड डायनामिक के बारे में। एंड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन पे भी मिल जाएगा, या तो सिंपली गूगल कर लेना। ओके गाइज, ये इंट्रोडक्शन तो हम लोगों को मिल गया, कैसे क्या होता है डिफरेंस ये भी हम लोग जान चुके हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें अपना जो यहाँ पर वेबसाइट है स्टैटिक वेबसाइट, उसे गिटहब पे अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपके जो भी फाइल्स हैं स्टैटिक वेबसाइट की फाइल्स, उन्हें तैयार कर लेना है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी ब्राउजर है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको github.com पे जाना है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, ज़रूर जाके एक बार क्लिक करें, आप यहाँ पर आ जाओगे। तो जैसे ही आ जाओगे आपको इनके वेबसाइट का एक कूल फीचर देखने को मिलेगा, वो है इनका रियल टाइम एनिमेशन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र इंटरैक्टिव, बहुत ही कमाल का यार अट्रैक्टिव चीज़ें ये लोग बना के रखे हैं। तो हम वो सब एक्सप्लोर नहीं करते हैं बिकॉज वो उतना काम का नहीं है हम लोगों के लिए। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप अगर साइन अप करना चाहते हो तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा स्किप करूँगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर YouTube को शायद ही ठीक नहीं लगेगा अगर मैं सब यहाँ पर साइन अप प्रोसेस बताऊँगा तो। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप करना है, बहुत ही आसान है। कुछ ऑप्शंस एंड कुछ पूछा जाएगा, आप उसका सवाल सही सही दे देना, यानी कि जवाब सही सही दे देना उन सवालों के, देन आपकी आईडी बन जाएगी। एक छोटा सा OTP वेरिफिकेशन रहेगा, ईमेल पे आएगा OTP, सही से कर लेना बिना कोई दिक्कत के, हो जाएगा। एंड याद रखना टेम्पररी मेल एड्रेस यूज़ मत करना, इससे टाइम वेस्ट होगा आपका एंड अकाउंट भी फ्लैग हो जाएगा, जिससे कि कोई काम का नहीं रहेगा लगभग। ओके, तो चलो यहाँ पर मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। ओके गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन अप कर लिया तो मेरे ईमेल एड्रेस पे एक OTP आई थी जिसे मैंने वेरीफाई करवा लिया। तो जैसे ही आपके सामने ऐसा पेज आता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। एंड गाइस, ये सब अगर आपको सीखना है जानना है तो गिटहब की एक स्पेशल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने A to Z बता रखा है गिटहब क्या है, कैसे आप टर्मक्स में यूज़ कर सकते हो, काली लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करना है, लगभग यार मैंने सब कुछ बता रखा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से लेके कमांड लाइन तक। तो ज़रूर आप लोग जाके एक बार चेक करें, कुछ डाउट है तो प्लीज़ यार मुझे बताएं। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिपोजिटरी क्या होती है, क्या कहाँ कहाँ यूज़ आती है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यूज़र नेम दिख रहा है और अब पूछ रहा है रिपोजिटरी नेम, जहाँ पर हम लोग फाइल स्टोर करते हैं, एक स्पेसिफिक फोल्डर, इन शॉर्ट में फोल्डर कहूँगा जिसको हम लोग रिपोजिटरी यहाँ पर बुलाते हैं। तो मैं उस रिपोजिटरी का नेम रख लेता हूँ यहाँ पर demo webs 1। ओके, डेमो वेब्स रख देता हूँ शायद कोई। ओके गाइज, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर राइट मार्क है ये आपको बताता है कि आप जो नेम रख रहे हो रिपोजिटरी का
वो पूरे गिटहब पे ऑलरेडी है या आप एक यूनिक नेम दे रहे हो। अगर यहाँ पर ग्रीन कलर राइट मार्क है तो समझ लेना ये यूनिक नेम है, ये अवेलेबल है। अगर रेड कलर क्रॉस मार्क है तो समझ लेना वो अवेलेबल नहीं है, कुछ और नाम रखें या तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दें उस नाम की जगह, हो सके तो यार यूनिक नेम ही रख लेना। और यहाँ पर गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोग शायद चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो डेमो वेब। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पूरी प्लेलिस्ट में कि कैसे कैसे यूज़ होना, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन को, एंड आपको विजिबिलिटी दी जाएगी कि आप अपने वेबसाइट को, वैसे भी हम लोग यहाँ पर जो है ना वेबसाइट होस्ट करने वाले हैं, ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पब्लिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वेबसाइट को क्लोज करवाना चाहते हो, टेम्पररीली उसको अनअवेलेबल करवाना चाहते हो, तो आपको प्राइवेट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको readme.md फाइल मिलेगी, उसके बाद gitignore.gitignore, उसके बाद चूज लाइसेंस। लाइसेंस आप चाहो तो रख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ MIT लाइसेंस। एंड यार मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्लेलिस्ट में कि लाइसेंसेस क्या होती हैं, .gitignore क्या होता है, readme फाइल क्या होती है, सब यहाँ पर बता रखा है। ओके, जैसे ही ये सब हो जाता है देख लेना फिर एक बार। तो जैसे ही ये सब कंप्लीट होता है आपको क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो चलो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा आपका यूज़र नेम, उसके बाद आपकी रिपोजिटरी का नेम, उसके बाद अवेलेबिलिटी, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्टार्स, उसके बाद फोक्स, उसके बाद फिर से स्टार, उसके बाद अनवॉच, एंड यहाँ पर कुछ स्क्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके गाइस थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा व्यू कोड के ऊपर, तो देख सकते हो कोई भी फाइल या कुछ भी नहीं है, कोई भी फाइल या फोल्डर्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बस छोटी सी फाइल है, वो है लाइसेंस, यानी कि अपनी कोई फाइल नहीं है, बट गिटहब का जो है हम लोगों ने लाइसेंस जनरेट किया था बस वही फाइल है। तो आप इसे चाहो तो रखो या डिलीट कर लो, यार आपकी मर्जी। अब मैं तो चाहता हूँ कि यार मेरा एक छोटा सा HTML का पेज है जिसको मैं होस्ट करवाना चाहता हूँ गिटहब पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद ये तीन लाइंस दिख रही होंगी आप लोगों को, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप गिटहब के ऊपर ही एक छोटा सा HTML पेज वगैरह यानी कि स्टैटिक वेबसाइट यहीं से बना लो, या तो सेकेंड ऑप्शन है अपलोड फाइल। आप अपने एंड्रॉयड या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के अंदर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट बनी रखी है तो उसको यहाँ पर जो है ना अपलोड करवा सकते हो। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी के लिए, तो मैं क्या करता हूँ क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कोडिंग वाला मिलेगा सेक्शन, जहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा HTML पेज बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ H1 लिखता हूँ, यानी कि हेडिंग 1, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, ओके गाइस। तो यहाँ पर जैसे ही होता है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना है, और हम किस ब्रांच में है, मेन ब्रांच में है, तो मैं नेम दे दूंगा इसका index.html, बिकॉज मैंने जो भी यहाँ पर लिख रखा है वो है HTML से रिलेटेड कोड। तो और यहाँ पर जैसे ही आ जाते हैं नीचे आपको मिलेगा कमिट न्यू फाइल, यार ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ओके सीरीज में देख लेना। एंड जैसे ये सब होता है आपको कमिट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, एंड जैसे ही ये आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद ये जो है यहाँ पर थोड़ा ऐसे स्क्रोल करना है आपको, उसके बाद दिख जाएगा सेटिंग्स, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रोल करना है और थोड़ा आपको दिख जाएगा पेजेस, जहाँ कहीं पर भी पेजेस दिख जाए वहाँ पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर आ जाओगे आपको फिर से स्क्रोल करना है, और देख सकते हो गाइज गिटहब पेजेस हैं, एंड गिटहब पेजेस इज डिजाइन टू होस्ट योर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट पेजेस फ्रॉम अ गिटहब रिपोजिटरी। तो अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, नन जो दिख रहा है इस सेक्शन में अभी हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, आपको नन पे क्लिक करना है, उसके बाद मेन ब्रांच को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर वो हो जाएगा आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है एक्स्ट्रा, अगर करोगे तो काम नहीं होगा आपका। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है, जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करोगे ये जो है ना सेव हो जाएगा। ओके गाइज अब फिर एक बार हम इसी पेज में हैं, तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रोल करते हैं, एंड गाइज फाइनली यहाँ पर बिना कोई दिक्कत के देख सकते हो यूअर साइट इज़ रेडी टू बी पब्लिश्ड डट, एंड ये जो देख रहे हो आपका रिपोजिटरी का नेम, उसके बाद गिटहब का फ्री सब डोमेन है वो है .github.io, एंड उसके बाद जो भी आपकी वेबसाइट का यहाँ पर है, पहले यार आपका यूज़र नेम है, उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट में आपको दिख रहा है नेम डेमो वेब्स, ये आपकी रिपोजिटरी का नेम है। आप चाहो तो अपनी खुद की डायरेक्टरी, सेम नेम की डायरेक्टरी बना के वहाँ पर भी होस्ट कर सकते हो, जो कि एक सिंगल लिंक का बन जाएगा वेबसाइट, बट मैंने यहाँ पर रिपोजिटरी बनाई, उसके अंदर मैंने जो है यहाँ पर पेजेस होस्ट कर रखे हैं। तो अब गाइस यहाँ पर चलो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। ओके जैसे कि देख सकते हो यूअर साइट इज़ पब्लिश डॉट,
तो यहाँ पर जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कुछ दिक्कतें दिखा रहा है, जैसे कि द साइट कन्फिगर्ड एट दिस एड्रेस डज नॉट कंटेन द रिक्वेस्टेड फाइल। ओके तो यहाँ पर चलो बैक चलते हैं। ओके हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं अपने कोड की तरफ चलते हैं। कभी कभी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो सब कुछ तो यार ठीक ही है, बट लेट्स सी क्या दिक्कत है। इस तीन डॉट्स पे क्लिक करते हैं, एडिट फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको जो बिग लेटर आया था उसको स्मॉल कर देते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है। फिर से सेटिंग्स पे चलते हैं एंड जैसे सेटिंग्स पे जाएंगे फिर से पेज के ऊपर क्लिक करना है, या तो डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है। ओके गाइस कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम चलते हैं पेजेस पे। जैसे पेजेस पे जाएंगे फिर से यहाँ पर आएंगे और इस लिंक को हम कॉपी करके रख लेते हैं। ओके चलो फिर से मैंने यहाँ पर, ओके गाइस तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा लेटर, यहाँ पर मैंने लेटर मिस्टेक कर दिया था, वो था बिग लेटर आई, तो मैंने जैसे उसको स्मॉल लेटर किया तो देखो अब बिना कोई दिक्कत के हमारा जो है इस लिंक में ही शो हो रहा है, जो हमने वहाँ पर देखा था वही लिंक पे अपनी वेबसाइट होस्ट हो रही है। सो गाइज ऐसे आप लोग अपने खुद की स्टैटिक वेबसाइट को फ्री में लाइफ टाइम के लिए होस्ट कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है इनके फिलहाल अभी के लिए, क्या पता यार फ्यूचर में हो जाए, लेकिन तब तक आप लोग ज़रूर यूज़ कर लें। सो ऐसे जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वेबसाइट को डिलीट करना है या तो इसको हाइड करना है कुछ टाइम के लिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप या तो इस पूरी रिपोजिटरी को डिलीट कर सकते हो, जिससे बस आपका यूजर का जो है वो रिपोजिटरी डिलीट नहीं होगा, यानी कि आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, बस एक स्पेसिफिक फोल्डर डिलीट होगा जो आपने यहाँ पर रखा है। तो आप चाहे तो रिपोजिटरी डिलीट करो, या तो आप रिपोजिटरी की विजिबिलिटी चेंज करो, या तो आर्चीव कर दो, या तो ओनरशिप यानी कि आप अपने साइड से किसी और को परमानेंटली रिपोजिटरी को भेज सकते हो। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है गिटहब की सीरीज़ में। ओके तो मैं चाहता हूँ अभी के लिए इस रिपोजिटरी को वैसे ही रखूँगा, थोड़ी देर बाद जाके इसको डिलीट करूँगा। बट चलो अब आपको डेमो दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिलीट दिस रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड बैड थिंग्स विल हैपन इफ़ यू डोंट रीड दिस, तो ये हमें वार्निंग दे रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ टाइप यूज़र नेम एंड रेपो नेम टू कन्फर्म डिलीटेशन। ओके तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो जैसे ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो डिलीट दिस रिपोजिटरी। ओके और एक बात गाइज, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह है तो थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से जो बटन है इनविजिबल यानी कि काम नहीं करता है, नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो जैसे ही मैंने स्पेस हटा दिया, देख सकते हो डिलीट दिस रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही करूँगा देख सकते हो जो एक सिंगल रिपोजिटरी थी वो भी डिलीट हो चुकी है, यानी कि अब हमारी वेबसाइट को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ओके तो ऐसे यार आप चाहो तो अपने इन स्टैटिक पेजेस को होस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो अब मैं अपनी अकाउंट पे जाऊंगा तो देखना यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो चलते हैं डेमो रिपोजिट पे एंड देखना, मैंने एक रिपोजिटरी बनाई थी बट मैंने उसको डिलीट कर दिया। ऐसे जो है गाइस आप अपनी आईडी को भी चाहो तो डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने चाहो उतने बना लो। लेकिन यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट था वेबसाइट यानी कि स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करना। एंड और एक बात, हमारे बहुत सारे टूल्स में मैंने एक कोड दे रखा है जहाँ पर आपको आई फ्रेम का कोड मिलेगा, मैं टूल्स का नाम नहीं बताऊँगा, आप लोग समझ लेना, जहाँ पर गिटहब कोड या तो होस्ट कोड लिखा रहेगा उस कोड को यहाँ पर गिटहब के अंदर आके होस्ट कर देना, जिससे कि बहुत कुछ चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी एंड आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कुछ भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं हो सके तो रिस्पॉन्स करूँगा एंड आपके जो भी फीडबैक्स हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर सॉल्व करूँगा यार। ओके एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड हमारे कुछ प्राइवेट पेड टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट रिस्पॉन्स देता हूँ बट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हैं वहाँ पर ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ, तो ज़रूर वहाँ पर आप आके मुझे बात कर सकते हो।
तो चलो यार मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।